more tech classes. सीआरओ के पार्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है, आज हम अब इस वीडियो में क्षैतिज सीआरओ में दो प्रकार के ऑल्टरनेटर यूज करते हैं, ठीक है। पहला जो ऑल्टरनेटर है वो वर्टिकल ऑल्टरनेटर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऑल्टरनेटर बोलते हैं उसको, और इसको बोलेंगे क्षैतिज ऑल्टरनेटर, ठीक है। क्षैतिज मतलब वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल ऑल्टरनेटर बोलेंगे, ठीक है। तो हम इस क्षैतिज ऑल्टरनेटर के ये डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। ये डायग्राम, इस डायग्राम में हम देखेंगे कि सेम एज इट इज जो वर्टिकल ऑल्टरनेटर में जैसा ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, सेम एज इट इज इसमें भी जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन होगा, ठीक है। और उसके जो इनपुट जो सर्किट है, इनपुट सर्किट, इस साइड का पूरा जो सर्किट है वो इनपुट सर्किट होगा और इस साइड का जो सर्किट है वो आउटपुट सर्किट कहलाएगा, ठीक है। इनपुट सर्किट में हम बैटरी बीबीबी सेल, इसको बोलेंगे सेल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सेल मतलब ये कि 1 वोल्ट समथिंग, 1 वोल्ट का सेल कनेक्ट करेंगे और लगभग यहाँ पे जो बैटरी है वो 8 से 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्ट करेंगे, मतलब ये कि इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 10 वोल्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेल जो है यूज करेंगे ये 1 वोल्ट, अप्रोक्स 1 वोल्ट यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि सेम एज इट इज मतलब ये कि ऑल्टरनेटर का मेन जो फंक्शन होता है वो उच्च मान के निम्न मान में कन्वर्ट करना, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्षैतिज ऑल्टरनेटर जो है उसमें कौन से सिग्नल देंगे, ये चीज हमको पता होना चाहिए कि कौन से वहां किस टाइप के सिग्नल देंगे हम, ठीक है। वर्टिकल ऑल्टरनेटर में हम देते थे सिग्नल क्या, वोल्टेज से रिलेटेड, वोल्टेज बेस्ड सिग्नल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकल जो एम्पलीफायर में जो को देता है अपना आउटपुट किसको देगा, वर्टिकल एम्पलीफायर को, ये अपना आउटपुट किसको देगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को आउटपुट देगा। तो इसी इसका जो आउटपुट है सीधा किसमें इनपुट होगा, तो एम्पलीफायर में इनपुट करेगा क्योंकि उसको एम्पलीफाई भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी क्या हो जाता है कि हम जो टाइम बेस्ड सिग्नल यहाँ पे जो सिग्नल देंगे वो इनपुट के रूप में क्या देंगे, तो क्षैतिज इनपुट के रूप में जो होंगे हाई मान के, मतलब ये कि कुछ हाई मान के लो मान के अगर मान लो आ जाते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन उच्च मान के, ये जो हाई है उच्च मान के इनपुट सिग्नल यहाँ पे आरोपित करना होगा। आरोपित करना मतलब अप्लाई करना, यहाँ जैसे ये वाले सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे इनपुट सर्किट जो होता है वो अपना काम करने लगता है, आउटपुट सर्किट अपना काम करता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की जब डिटेल पढ़ते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो वो बाद में पता मतलब ये बताऊंगा कि कैसे मतलब वर्किंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, कैसे वोल्टेज अप्लाई होता है, कैसे ब्रेकडाउन होता है ट्रांजिस्टर, यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं है, यहाँ पे मेन बेसिक उसके जो ऊपर जो फैक्ट है वो चीज देखना है हमको। तो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करें हमने, ठीक है। ये बेस टर्मिनल होगा, ये कलेक्टर टर्मिनल होगा और ये इमिटर, कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल के बीच में आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक है, जो ये बैटरी के अक्रॉस में यहाँ पे आउटपुट कनेक्टेड करेंगे हम, ठीक है। और जो इनपुट टर्मिनल मतलब बेस और इमिटर दो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम सेल कनेक्ट करेंगे और सेल कनेक्ट करेंगे और यहां से दो वायर कनेक्ट करेंगे और दो वायर में इनपुट सिग्नल यहां आरोपित करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे ये इनपुट क्षैतिज मान के, ठीक है, क्षैतिज मान के कैसे रहेंगे, ये क्षैतिज लाइन में, जैसे ये अपनी ये वर्टिकल लाइन है और ये क्षैतिज, यहाँ पे जो भी सिग्नल को पर्दे पर दिखाएगी, ये जो ये वाले सिग्नल है ये क्या है, पर्दे पे दिखाई देंगे, ठीक है। सीआरटी के पर्दे पे वो जो सिग्नल है वो टाइम वाले सिग्नल होंगे क्योंकि ये क्या है, टाइम से रिलेटेड लाइन है, ठीक है, और ये क्या होगा, वोल्टेज वाली लाइन है, ठीक है। तो वहां पे वोल्टेज का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा और ये टाइम से रिलेटेड है कि ये दाएं से बाएं, क्योंकि क्या होता है आपका जो क्षैतिज प्लेटें जो होती है वो मतलब ये है कि वो जो आपकी बीम को कैसी क्षैतिज डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है, डिफ्लेक्ट कराती है, ठीक है। तो वो बात की प्रोसेस है, लेकिन अभी मेन देखना है कि जो क्षैतिज इनपुट होगा वो हाई मान का टाइम बेस इनपुट होगा, कैसा होगा,
हाई उच्च मान का टाइम में सिग्नल होगा ये, ठीक है। और ये उच्च मान के टाइम में सिग्नल, ये सिग्नल का डायग्राम बता दिया हूं मैंने वेव फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे ये उच्च मान के सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आउटपुट में हमको ये रिड्यूस हो जाता है, ये छोटे फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही छोटा हो जाएगा तो ये जो सिग्नल है वो क्या होगा, क्षैतिज जो एम्पलीफायर है उसको अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है वो क्षैतिज एम्पलीफायर को मिलेगा, ठीक है। तो क्षैतिज एम्पलीफायर को जो हम इसका आउटपुट देंगे वो क्षैतिज एम्पलीफायर फिर उसको एम्पलीफाई करेगा। लेकिन क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है कि एक निश्चित मतलब ये रेटेड मान का सिग्नल, एक न्यूनतम सिग्नल जो है वो उस एम्पलीफायर को देने का काम करता है। तो ये न्यूनतम मान का जो सिग्नल है ये बन जाएगा। अब यहाँ पे सेम एलईडी सर्किट है, ये जो है आपका इनपुट जो सर्किट है उसको इनपुट में कैसा रिवर्स बायस कनेक्ट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रिवर्स बायस कनेक्ट, मतलब ये है कि बी को माइनस और ये यहाँ पे एन कनेक्टेड है, ये वाला क्या है पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है और ये वाला क्या होगा ये भी एन टर्मिनल है। तो कुल मिला के ये पी को माइनस और एन को क्या है प्लस से कनेक्ट करूंगा तो ये क्या होगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में कोई भी जो डायोड है उसकी डिप्लेशन लेयर क्या होता है बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये डिप्लेशन लेयर इसकी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, है ना। अब ये डिप्लेशन लेयर की मतलब इसकी बढ़ जाएगी तो ये जो सिग्नल है जो भी इनपुट सिग्नल कराओगे तो वो वाले जो आउटपुट में जो है उनके ये इधर के जो है ये इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। लेकिन यहां से जो करेंट का फ्लोवेशन होगा आउटपुट जो सर्किट में करेंट का इस टाइप से ऐसा फ्लोवेशन होगा वो निम्न मान का होगा, कैसा होगा निम्न मान का होगा। इसलिए यहां पे क्या होगा सिग्नल हम उच्च जितने ज्यादा उच्च मान के उसकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई और वोल्टेज अगर यहां पे बढ़ेगा तो उसकी चौड़ाई और क्या होगी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर बायसिंग रिवर्स बायस है और इस साइड में फॉरवर्ड बायस कर दिए हैं तो ये तो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा इस साइड की डिप्लेशन J2 संधि। यहां दो प्रकार के जंक्शन होंगे, एक होगा इनपुट जंक्शन और एक होगा आउटपुट जंक्शन। इनपुट जंक्शन को हम सेल से कनेक्ट कर रहे हैं और आउटपुट जंक्शन को ये बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं हम। ये यहाँ पे क्या लगा दिए हमने, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर माइनस, ये प्लस, इस टाइप से दो या दो से अधिक सेलों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी बनती है। और यही बैटरी लगभग 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, यहाँ पे लगभग 1 वोल्ट का सेल कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्षैतिज इनपुट को भी हाई मान के टाइम बेस सिग्नल इनपुट कराएंगे तो आउटपुट में जो है लो मान के टाइम बेस सिग्नल हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग प्रोसेस होगा। ट्रांजिस्टर को इस टाइप से कनेक्ट करना होगा, ट्रांजिस्टर से जो इमिटर और बेस से दो टर्मिनल आएंगे उसी को उसी टर्मिनल के बीच हम टाइम बेस के जो सिग्नल है वो देंगे, ठीक है। जो भी टाइम बेस के सिग्नल जैसे ही हम इनपुट में देंगे उच्च मान के रहेंगे उसको रिड्यूस कर देगा और आउटपुट में जो है लो मान के मतलब निम्न मान के जो है वो टाइम बेस सिग्नल ये देगा। आगे समय अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका सर्किट सेम इसके पहले जो लेक्चर में हमने पढ़े थे सेम उसी सर्किट है इसका भी। अब इसमें देखते हैं इसके कौन कौन से फैक्ट जो है हमको याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्षैतिज ऑल्टरनेटर के क्षैतिज ऑल्टरनेटर में उच्च मान के जो टाइम बेस सिग्नल है इनपुट में दिया जाता है ना, मतलब यह है कि इनपुट में कौन से सिग्नल देने हैं तो उच्च मान के, ये चीज हमको याद रखना है कि ये टाइम बेस सिग्नल इनपुट में देना है, ठीक है। ये बहुत ही ये वाला जो मेन पॉइंट है ये याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये बोलता है कि उच्च मान के टाइम बेस सिग्नल इसको यहाँ पे आरोपित करेंगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्षैतिज ऑल्टरनेटर में आउटपुट में लो मान के टाइम बेस सिग्नल हमको मिलेंगे, ठीक है। कौन से मान के इसको अंडरलाइन करना है हमको, ठीक है। जो जो चीज हमको तो यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आउटपुट में लो मान के या निम्न मान के क्या होंगे ये टाइम बेस सिग्नल हमको आउटपुट में मिल रहे हैं, ठीक है। क्षैतिज ऑल्टरनेटर उच्च मान के टाइम बेस सिग्नल को निम्न मान के टाइम बेस सिग्नल में परिवर्तित, मतलब ये क्या कर रहा है एक प्रकार का कन्वर्टिंग का काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है तो ये वोल्टेज के मान को कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये है कि उच्च मान का जो वोल्टेज आ रहा है उसको निम्न मान के वोल्टेज में परिवर्तित कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसा वोल्टेज होगा टाइम बेस से रिलेटेड वोल्टेज होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वोल्टेज होगा, कैसा होगा ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति से रिलेटेड। आवृत्ति क्या होती है आपको पता है कि टाइम के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, मतलब ये है कि f बराबर क्या होता है 1/T, t मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब ये कोई इस टाइप का एक कोई वेव है और वेव ये यहां से यहां तक की जो जारी है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है, मतलब इसमें
एक चक्र पूरा किसी भी करंट को या वोल्टेज को या कोई भी राशि हो, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो, उसको एक चक्र पूरा करने है। मतलब यहां से निकल रही है, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है और 360 डिग्री में अपना एंगल कंप्लीट कर रही है। मतलब ये कि एक चक्र कंप्लीट कर दी है, तो एक चक्र पूरा करने में जितना समय, मतलब ये है कि ये यहां पे क्या हो रहा है, समय लग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, आवर्तकाल कहा जाता है। ठीक है, जितना भी समय लग जाए यहां, ठीक है, तो क्या करने के लिए, एक चक्र पूरा करने के लिए जितना समय लग जाए उसे क्या बोलेंगे हम, आवर्तकाल या टी कहा जाता है इसको, टाइम पीरियड कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में आवर्तकाल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट होती है उसके, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो सिग्नल दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल इनपुट कराना है, टाइम बेस वाले, मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आवृत्ति युक्त सिग्नल यहाँ पे इनपुट कराना है, क्योंकि वो ही टाइम बेस सिग्नल होंगे, ठीक है। आउटपुट में भी जो आवृत्ति युक्त टाइम बेस सिग्नल हमको आउटपुट में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की डेफिनेशन, ये टाइम पीरियड को कैसे कि एक चक्र, ये एक पूरा का पूरा जो चक्र है यहां से यहां तक के जाने में ये कितना है, ये 180 का चक्र हो गया, हाफ चक्र हो गया, ये 180 का हाफ चक्र हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट जो साइकिल है बनने में, ठीक है, एक चक्र पूरा होने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, ये टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, आवर्तकाल कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, आवर्तकाल कहेंगे। लेकिन आवृत्ति इसकी जस्ट अपोजिट है कि एक सेकेंड में, मतलब मैंने बोला कि एक चक्र की बात करा, टाइम पीरियड में चक्र एक रहेगा, यूनिटी रखना होगा चक्रों को, ये जो चक्र है चक्रों को कैसे रखना है, तो यूनिटी मानना होगा, और टाइम जो होगा अलग अलग होगा, इसमें जो टाइम है वो डिफरेंट होगा, टाइम कैसा होगा तो ये डिफरेंट होगा, ठीक है। टाइम मतलब ये कि कितना भी हो सकता है, ठीक है, एक चक्र एक कांस्टेंट होगा, टाइम पीरियड में चक्र को कांस्टेंट रखा जाता है और टाइम को वेरिएबल रखा जाता है, इसलिए तो एक चक्र पूरा होने में जितना भी समय वेरिएबल है, तो इसमें क्या होगा, टाइम पीरियड में टाइम जो है वेरिएबल होता है, वेरिएबल होना मतलब एक चक्र पूरा होने में, ये देखो यहां तक कितना टाइम, अलग अलग टाइमिंग हो रही है ना, यहां टाइम अलग हो रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, या जितना भी टाइम लग गया, या मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, जो भी लग रहा है, ठीक है। तो एक चक्र पूरा होने में समय जो होता है, यहाँ पे जो चक्र होता है, ये चक्र क्या होता है, यूनिटी होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, समय जो कैसा होगा आपका, परिवर्तित होगा, ठीक है, परिवर्तित मतलब वेरिएबल। लेकिन फ्रीक्वेंसी की जब बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये होती है कि एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड मतलब टाइम पीरियड जो होगा, टी जो होगा वो क्या होगा, नियत फिक्स होगा, नियत मतलब यूनिटी मानना होगा, ठीक है, टाइम पीरियड को क्या मानना होगा, यूनिटी मानना होगा, कैसा मानना होगा, यूनिटी मानना होगा। लेकिन जो है चक्रों की जो संख्या है जितनी भी हो सकती है, तो यहां पे जो चक्र जो होंगे वो कैसे होंगे, फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, चक्र जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, मतलब ये वेरिएबल होंगे, ये कैसे होंगे, तो ये वेरिएबल होंगे और ये जो टाइम पीरियड है वो नियत होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक सेकेंड में जितने कोई भी क्वांटिटी, एक सेकंड में जितने भी चक्र पूरा करती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पे जो सिग्नल देना है वो फ्रीक्वेंसी युक्त सिग्नल देना है, कौन से सिग्नल देना है, यहां पे फ्रीक्वेंसी युक्त, और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली संबंध किससे होता है, तो टाइम पीरियड से होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती हो रहा है, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो हमको जो ये टाइम बेस सिग्नल आरोपित कहां करना है, तो यहां पे इस जो आपके जो ये ऑल्टरनेटर है, ठीक है, क्षैतिज ऑल्टरनेटर के, क्षैतिज ऑल्टरनेटर में मेन जो कंपोनेंट है वो सिग्नल को मतलब ये कि उच्च मान के सिग्नल लो मान में चेंज कर रहा है, वो मेन है, ये क्या है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर जब तक के काम करेगा तभी ये मतलब ये है कि सिग्नल में परिवर्तित होंगे सिग्नल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो क्षैतिज ऑल्टरनेटर आउटपुट में जो है वो लो मान का टाइम बेस सिग्नल हमको देता है, क्षैतिज ऑल्टरनेटर उच्च मान के टाइम बेस सिग्नल को निम्न मान के, ये उच्च मान के टाइम बेस सिग्नल को निम्न मान के टाइम बेस सिग्नल में चेंजेस करता है। क्षैतिज ऑल्टरनेटर में ट्रांजिस्टर का जो मोड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर में इसका जो मोड होगा वो कौन से मोड में, तो मैंने आपको बताया कि अगर इसको रिवर्स और इसको फॉरवर्ड, मतलब इनपुट को रिवर्स आउटपुट को फॉरवर्ड, ठीक है, जब ये आपको बताया था कि रिवर्स फॉरवर्ड मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड हो गया, ये भी फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया और ये वाला ये रिवर्स हो गया,
तो अगर मान लो इस क्वाड्रेंट में अगर काम कर रहे हो तो क्या होगा, निष्क्रिय मोड कहलाता है, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब ये है कि इनपुट को रिवर्स और आउटपुट को फॉरवर्ड, ये निष्क्रिय मोड कहलाता है। निष्क्रिय मोड में क्या होता है, एज ए ट्रांजिस्टर किसके रूप में काम करता है, तो अल्टरनेटर के, ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन में अल्टरनेटर की तरह व्यवहार करेगा, मतलब इसका जो मोड होगा, क्योंकि उच्च को निम्न करना है, मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर का मोड कौन सा होगा, निष्क्रिय मोड होगा, निष्क्रिय मोड मतलब इनएक्टिव मोड कहा जाता है, ठीक है, इस मोड में ये काम कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्षैतिज अल्टरनेटर में ट्रांजिस्टर का जो इनपुट में पश्च अभिनति होती है, ठीक है, इनपुट में कैसी होगी, तो ये मैंने आपको बताया कि इनपुट जो है उसमें अभिनति, पश्च अभिनति मतलब हिंदी में करती हूँ कि रिवर्स बायस को ही हिंदी में बोलते हैं पश्च अभिनति, ठीक है। तो पश्च अभिनति का मतलब आपको पता है कि यदि हम ये पीएन संधि है, कौन सी संधि है, पीएन संधि, ठीक है, पी को माइनस देंगे सेल का और एन को क्या देंगे, सेल का प्लस देंगे, हम क्या देंगे, सेल का प्लस देंगे और इसको माइनस देंगे, तो ये जो अभिनति होगी वो कौन सी, पश्च अभिनति। पश्च अभिनति में क्या होता है कि ये जो माइनस है और पी, पी मतलब होता है होल, और होल में हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये आकर्षित करेगा तो इस साइड खींचेगा ही, और ये जो पॉजिटिव है वो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो ये इसको इस साइड खींचेगा, जिसके कारण ये यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब इसे क्या बोलेंगे, पश्च अभिनति कहा जाएगा, कौन सी अभिनति, पश्च अभिनति। और इस पश्च अभिनति के चलते क्या होगा कि आउटपुट में वोल्टेज तो ज्यादा बताएगा, मल्टीमीटर से जब हम चेक करेंगे तो इन दोनों के टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है वो उच्च मान का बताएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कच्चा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनपुट सिग्नल का, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, जैसे ही हम मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन हो गई, मतलब ये है कि इनपुट में पश्च अभिनति अप्लाई किया जाता है। क्षैतिज अल्टरनेटर के ट्रांजिस्टर के आउटपुट में क्या होगा, ये जो आउटपुट है ये आउटपुट का सिंबल टाइप का है, में अग्र अभिनति। अब अग्र अभिनति का मतलब होता है कि यदि आप ये कोई डायोड है और ये क्या होगा पी डायोड, डायोड क्या होगा पी टाइप और एन टाइप से मिलकर बना होता है, तो यदि पी को बैटरी का प्लस कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और एन को बैटरी का माइनस कनेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव है इसके पास भी पॉजिटिव, ये निगेटिव है इसके पास भी निगेटिव, एक दूसरे को क्या है रिपल करेंगे ना, ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो है वो इस साइड जाने की कोशिश करेगा और ये निगेटिव इस साइड जाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा ये डिप्लेशन लेयर शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये कि ब्रेकडाउन हो जाएगी, टूट जाएगी, और ये यहाँ से करंट का फ्लोएशन आसानी से चालू हो जाएगा, मतलब ये कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो कुछ इस टाइप से होगी करंट, और बहुत ही कम वोल्टेज में ब्रेकडाउन हो जाएगा और निम्न मान की करंट फ्लो होगी। जब ये निम्न मान की करंट फ्लो होगी तो ये यहाँ पे जब हम आउटपुट में जब चेक करेंगे यहाँ पे तो लो मान की करेंट और लो मान का वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, और वो ही हमारा जो है वो टाइम बेस से रिलेटेड सिग्नल होगा, और यही सिग्नल क्या होगा निम्न मान का सिग्नल होगा। अब ऐसा है तो कुल मिलाकर जो है इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो पूरा का पूरा ऑल्टरनेटर, ठीक है, ऑल्टरनेटर कैसे काम करता है, ऑल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसमें बायसिंग कैसी होती है, ठीक है, इनपुट में कैसी बायसिंग होगी, जो ऑल्टरनेटर का ये पूरा सर्किट है, यही सर्किट हम सीआरओ में उपयोग किया जाता है। एक छोटी सी प्लेट रहेगी, उस प्लेट में इस टाइप का सर्किट बना देंगे, उसको उसका नाम दे देंगे क्या ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर में मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, बैटरी का यूज करेंगे इनपुट सिग्नल देने के लिए, कुछ रेजिस्टेंस करंट कम ज्यादा करने के लिए, कुछ रेजिस्टेंस मतलब ये है कि बेस में रेजिस्टेंस, कलेक्टर में रेजिस्टेंस, ऐसा कनेक्ट कर देंगे और एक सर्किट बन जाएगा। तो ये ऑल्टरनेटर एक प्रकार का क्या है सर्किट है, और इसी में सबसे पहले जो जो भी सिग्नल है इनपुट कराया जाता है, ठीक है। तो सीआरओ में जो नोब के माध्यम से जो सिग्नल जाते हैं वो सीधे कहां जाएंगे, ऑल्टरनेटर में जाएंगे, और ऑल्टरनेटर अपने सिग्नल किसको देगा, एम्पलीफायर को देगा, और एम्पलीफायर अपने सिग्नल किसको देगा, तो प्लेटों को देगा, सीआरटी की प्लेट को देगा, सीआरटी के प्लेट को जैसे सिग्नल मिलेगा तो बीम क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, और बीम डिफ्लेक्ट होगी तो हमको सीआरटी के जो पर्दे पर जो भी मतलब यह कि उसकी जो वेवफॉर्म मिलेगी, ठीक है, जो वेवफॉर्म देखना है वो वेवफॉर्म मिल जाएगी, ठीक है, आरा गति देखना है, शॉर्ट आउट देखना है, जो भी, तो यहाँ पे जो सिग्नल देना है वो कौन से सिग्नल, ये हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सिग्नल देना है वो टाइम बेस्ड सिग्नल होंगे, ठीक है, और जो इसके पहले
जो है वर्टिकल एम्पलीफायर है ना, ऊर्ध्वाधर जो एम्पलीफायर है उसमें कौन से सिग्नल दिया जाता है, तो वोल्टेज बेस्ड सिग्नल दिया जाता है। लेकिन क्षैतिज ऑल्टरनेटर में कौन से सिग्नल दिया जाता है, तो टाइम बेस्ड सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, टाइम से रिलेटेड क्षैतिज एक्स अक्ष में काम करने वाले सिग्नल, ये एक्स अक्ष है इसमें काम करने वाले जो सिग्नल है वो मिलेंगे, जिसके कारण हमको सीआरटी के पर्दे पर एक्स की जो लाइन है वो कुछ चलते हुए दिखाई देगी। ठीक है, अगर वर्टिकल सिग्नल देंगे तो वर्टिकल ऑल्टरनेटर को देंगे, और वर्टिकल ऑल्टरनेटर को देंगे तो वो वर्टिकल लाइन को चलाएगी, जिसके कारण हमको एक्स और वाई अक्ष में एक टू डायमेंशनल क्वांटिटी मिल जाएगी, जो भी सिग्नल की जो क्वांटिटी है वो मिल जाएगी और उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्षैतिज ऑल्टरनेटर है उसका जो सर्किट ये हमको पता होना चाहिए, इस सर्किट में क्या है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, इनपुट कहाँ अप्लाई किया जाता है, इनपुट जो है बेस और इमिटर टर्मिनल के बीच में अप्लाई किया जाता है, आउटपुट जो है बेस सॉरी इमिटर और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट में क्या लगाया जाएगा, तो सेल लगाया जाएगा जो इसको प्रचालित, यहाँ सेल क्यों लगा रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं, सेल जो लगा रहे हैं वो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए, प्रचालित करने के लिए होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर को प्रचालित करने के लिए ये सेल और बैटरी लगाया जाता है, और उसके लिए प्रचालन करने के लिए इसी, अब ये सेल या बैटरी लगाते हैं, इसी को बोलते हैं बायसिंग। क्या बोलते हैं, हम बायसिंग। ठीक है, तो बायसिंग करके ही हम उसको प्रचालित करेंगे, और जब वो प्रचालित हो जाएगा तो काम करना चालू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सिग्नल मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोवेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, जब तक कि ये बैटरी और सेल या बैटरी नहीं लगाएंगे तो ये अपना काम नहीं करेगा, ये अपना काम नहीं करेगा तो ये सिग्नल कैसे सर्कुलेट होंगे, तो ये क्या होगा, इनपुट जो सिग्नल है वो कुछ इस डायरेक्शन में सर्कुलेट होते हैं, आउटपुट जो सिग्नल है वो इस डायरेक्शन में सर्कुलेट होते हैं। तो यहाँ पे जो है निम्न मान का वोल्टेज और निम्न मान की करेंट ऐसी ऑसिलेट करेगी ये सिग्नल की, और वो टाइम बेस्ड सिग्नल वाली होगी। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन यहाँ पे इस टाइप का ऑसिलेशन होगा और यहाँ पे इस टाइप का ऑसिलेशन होगा यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उच्च मान का ऑसिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, निम्न मान का ऑसिलेशन होगा इस टाइप से ऐसा। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी सिग्नल है वो ऑसिलेशन वाले जो सिग्नल होंगे, अगर मान लो एसी के सिग्नल है तो ऑसिलेशन होगा, डीसी के सिग्नल है तो ऑसिलेशन नहीं होगा, फिक्स रहेगा उसका, कॉन्स्टेंट मान रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये इसके ये जो मेन मेन जो फैक्ट है हमको याद रखना है। ठीक है, किसको कौन से टाइम बेस सिग्नल दिया जा रहा है, हाई मान के किसको दे रहे हैं, इनपुट में दे रहे हैं, आउटपुट में देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पूरी डिटेल हमको पता होना चाहिए, कैसे वर्क करता है। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी और जो भी सीआरओ है, जितने भी हम सीआरओ बनाते हैं तो उनमें ऑल्टरनेटर लगाना होता है, ऑल्टरनेटर का एक परिपथ होता है, एक्चुअली जैसे एम्पलीफायर का एक परिपथ होता है वैसे ऑल्टरनेटर का परिपथ होता है, और ऑल्टरनेटर का काम क्या है, उच्च मान के सिग्नल को निम्न मान के सिग्नल में चेंज करना। ठीक है, अगर निम्न मान के सिग्नल आते हैं तो उसको सेम वैसी मान के सिग्नल में जाने देता है वो, लेकिन अगर उच्च मान के आते हैं तो उनको निम्न करके देता है। ठीक है, तो इससे एक्यूरेसी से कोई भी हम जो मतलब सिग्नल की जो क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं वो पूरी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट हो जाएगी और आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो और उसके जो जितने सीआरओ के कंपोनेंट है कैसे वर्क करते हैं ये सारे वन बाय वन हमको पता होना चाहिए, पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होती है उसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे बायसिंग होती है, मोड कौन से मोड में काम करेगा, इनपुट में कैसे सिग्नल दिया जाता है, टाइम बेस सिग्नल देंगे, वोल्टेज बेस सिग्नल देंगे, किस टाइप के सिग्नल देंगे, ये सारा चीज ये क्वेश्चनिंग होती है कोई भी। तो हम अगर कोई चीज डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी उसकी पूरी स्टोरी अगर हमको पूरी समझ आ गई, उसके मेन मेन जो फैक्ट क्या है वो समझ आ गए, तो वो लंबे टाइम तक के याद रहेगा। ठीक है, कैसे बायसिंग किया जाता है, ठीक है कौन सा ट्रांजिस्टर यूटिलाइज करेंगे हम, ठीक है उसका कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है सेल कौन सा यूज करेंगे हम, किस साइड में कौन से मतलब परिपथ में, इनपुट परिपथ में करेंगे या आउटपुट, क्योंकि ट्रांजिस्टर में दो प्रकार के परिपथ बनेंगे, एक इनपुट परिपथ होगा और आउटपुट परिपथ होगा, इनपुट परिपथ की करेंट अपनी इनपुट में फ्लो होते रहेगी, आउटपुट की करेंट जो है आउटपुट में ऐसी फ्लो होते रहेगी। ठीक है, बस यह है कि इनपुट और आउटपुट में हमको क्या है दोलन वोल्टेज, कितना वैल्यू का जो वोल्टेज है वो दोलन ऑसिलेट कर रहा है, या कितने वैल्यू की जो करेंट है वो ऑसिलेट कर रही है, तो ये इस टाइप से ऐसा काम कर पाएंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये सारे की सारा जितना जो है आपका जो ऑल्टरनेटर है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है,